राधे राधे दोस्तों, गुरु विदुपासना मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मसालेदार भिंडी आलू की सब्जी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भिंडी आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी ली है। हमने भिंडी को अच्छे से धो के इसका पानी सुखा दिया है और इसे कट कर लिया है। साथ ही हमने दो आलू को भी छील के कट करके धो लिया है। सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। हम इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। कद्दूकस की हुई थोड़ी सी अदरक डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे डाल के भून लें। अब हम इसमें आलू डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम आलू को मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे आलू हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कट की हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि भिंडी मसालों से अच्छे से कोट हो जाए। आप देख सकते हैं कि भिंडी मसालों से अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम सब्जी को एक बार चलाएंगे। और इसे फिर से लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी पक गई है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, हमारी टेस्टी और हेल्दी भिंडी आलू की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ सर्व करिए। वीडियो पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।